हेलो फ्रेंड्स, आई एम फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अंजना गुप्ता। आज मैं बात करने जा रही हूँ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के बारे में। जिस तरह हम लोग सब जानते हैं, अपनी बॉडी को बनाने के लिए, अपनी बॉडी को शेप देने के लिए हम जिम जाते हैं और मसल्स को वर्कआउट करके उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं, इसी तरह ही हमारे लंग्स की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सरसाइज ही है, प्रॉपर ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही है जो उसको स्ट्रॉन्ग कर सकती है। तो मैं यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाते हुए ये एक्सप्लेन करूँगी। जैसे कि हम जिम में अपनी बॉडी को वर्कआउट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले स्लो रिदमिक वार्म अप एक्सरसाइजेस करते हैं, तो मैं यहाँ रिकमेंड करती हूँ कि आप सबसे पहले स्लो रिदमिक ब्रीदिंग स्टार्ट करिए। जेंटल ब्रीदिंग स्टार्ट करने के बाद ही अब विग्रस ब्रीदिंग पर जाइए। यहाँ मैं छोटे छोटे स्टेप्स में एक एक बार आपको करके दिखा रही हूँ। टू स्टार्ट विथ, सबसे पहले नाक से सांस लेंगे बिल्कुल आराम से, और बिल्कुल आराम से मुंह से सांस छोड़ेंगे रिदमिक, और कोशिश करेंगे जितना नाक से जितना समय सांस लेने में लगे उतना ही समय सांस छोड़ने में लगे। तो एक हम शुरू करते हैं ऐसे। धीरे से छोड़ दीजिए, इतना स्वीटली इतना आराम से करना है कि कोई आवाज़ नहीं आएगी। इसे आप 5 बार करिए वार्म अप की तरह। सेकेंड एक्सरसाइज जो हम स्टार्ट करते हैं स्लोली विकरस होगी। आप सांस लेंगे और छोड़ेंगे जैसे कि आपके हाथ में चाय का प्याला है और चाय को आप फूंक मार के ठंडी करेंगे। जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, नाक से धीरे से सांस लीजिए, फूंक मारिए, इस तरह धीरे धीरे अपनी सांस से चाय को ठंडा करिए। थर्ड एक्सरसाइज, आप थोड़ा सा विग्रस होंगे, अब सांस लेंगे नाक से ही सांस लेंगे, और जब ब्लो आउट करेंगे सांस छोड़ेंगे तो आपने ऐसे फैसे करना है जैसे कि आपका केक है, बर्थडे केक, और उसकी आप कैंडल्स को फूंक, बहुत फूंक, तेज़ी से फूंक मार रहे हैं, और कोई कैंडल जलती ना रहे। जिस तरह करेंगे खूब ताकत से। इसके बाद ब्रेथ होल्डिंग, डीप ब्रेथ एंड ब्रेथ होल्डिंग एक्सरसाइज करेंगे। गहरा लंबा सांस लेंगे मुंह से आप, और ब्रेथ को अंदर होल्ड करना है। जैसे आप मुंह से लेंगे लंबा सांस लेंगे मुंह से, अंदर रोकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा देर तक उसे होल्ड करने की कोशिश करेंगे। इससे जो हमारे जो एल्वियोलाई, जो हमारे सोर हैं, सोर पार्ट्स, जो इनएक्टिव लंग का पार्ट है वो भी एक्टिव होगा और उसमें एयर जाएगी और लंग्स की मसल स्ट्रॉन्ग होंगी। ये बेसिक एक्सरसाइज करिए और अपने लंग्स की कैपेसिटी को धीरे धीरे, होल्डिंग कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ाइए। आई थिंक अगर ये बेसिक एक्सरसाइज आप उस स्टेज में भी करिए जब कोरोना नहीं है, या कोरोना है आप उसको तब भी करिए, और थोड़ा कॉम्बिनेशन के साथ जब निमोनिया हो रहा है कोविड में, तो थोड़ा विग्रस चेस्ट फिजियोथेरेपी, पोस्चरल ड्रेनेज तब ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बट ये बेसिक सेफ एक्सरसाइज आप डेली सुबह शाम करिए। थैंक यू।